नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद किली में। आज मैं आपके साथ मसाला पूरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सभी पूरियाँ एकदम से कैसे फूलती है उसकी मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं मसाला पूरी की रेसिपी। मैंने यहाँ गेहूं का आटा लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच मोइन डाला है, 2 चम्मच जितना धनिया पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मोइन को अच्छी तरह से हमें आटे में मिक्स कर लेना है, तभी हमारी पूरियां हैं वो अच्छी तरह से फूलेंगी। देखिए, इस तरह से पहले हमें सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे गूंद लेना है और हमारा जो आटा है वो इस तरह से तैयार हो गया है। हमें थोड़ा सा टाइट आटा रखना है, नरम नहीं रखना है, तभी हमारी पूरियां हैं वो अच्छी सी फूलेंगी। सभी पूरी को हम इस तरह से बेल लेंगे। पूरी बन गई है। तेल को हमें हाई फ्लेम पर रखना है और उसे धुआंधार गरम करना है। अगर तेल अच्छी तरह से नहीं गरम किया तो पूरी नहीं फूलेगी। देखिए, ये तेल बहुत ही गर्म हो चुका है, इसलिए पूरी तुरंत ही उसमें फूल रही है। अगर हमारे पास गोल गोल पूरी बनाने का बहुत टाइम नहीं है तो हम इजी तरीके से झटपट से कैसे बनाते हैं पूरियाँ, वो मैं अब आपको बता रही हूँ। पहले हमें यहाँ एक बड़ा सा बोल लेके चकले में हमें एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। थोड़ा सा तेल हम चकले में लगा लेंगे जिससे कि ये रोटी है वो चिपके नहीं। अब हम इसमें पिज़्ज़ा कटर की मदद से कट लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। सभी पूरियों को हम एक साथ फ्राई कर लेंगे। पूरी को हमें पलट लेना है जिससे कि वो दूसरी साइड भी पक जाए, फ्राई हो जाए। एक ही साथ में बहुत सारी पूरियां बनके तैयार हो गई है। हमारे पास टाइम ना हो तो हम इस तरह से झटपट से पूरियां बना सकते हैं। देखिए कितनी सारी पूरियां थोड़े ही टाइम में बनके तैयार हो गई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।